स्पेशल है, एक तो बल्लभ भाई जी का टेम्पल और दूसरा, अरे हाँ और कौन? वैसे ना आज हमें लड़के वाले देखने आए, सुना है बहुत ऊंचे खानदान से है, अम्मा कह रही थी हमें देखते ही पसंद कर लेंगे। अरे देखो वो आ तो नहीं गए क्या? क्या उन्होंने आने से मना कर दिया? हम तो पहले ही कह रहे थे अम्मा से। अरे खानदान से क्या होता है, शक्ल देखिए लड़के की, मुझे गर्दन तक आती है। अरे इंसानों के खानदान से था कि शैतानों की, देख लेना हमारे लिए तो कोई राजकुमारी है, वो भी लाखों में, कोई शैतान नहीं। हाँ नहीं तो क्या करूँ यार, कि जीजा जी ना सबसे बड़े केवली छेड़ते मुझे, और रियल लाइफ में सर हमेशा शरीफ पहन लेते। मैंने देखा ते जीजा जी ना सपने में मेरे पीछे पीछे भाग रहे थे, बुला और पिचका रहे, बड़ा मजा आ रहा था यार। हाँ ना सुनो, मुझसे ना अब बेटी ना दिल कर रहे कि अभी अभी जाके जीजा जी के कानों पर मैं हॉकी बच्ची पहले सुन लिया। हाँ तो मैं कह रही थी कि मैं दिल कर रहा कि अभी अभी जाके जीजा जी के कानों पर मैं हरा पीला लाल गुलाबी हॉट टाइप का कलर रगड़ रगड़ के लगा, ताकि एक हफ्ते तक निकल ही ना पाए मेरे प्यार का, मतलब गुलाल का। वैसे ये रंगशन बनाने वाले ना बड़े हार्डलेस हो, हम आशिकों के दिल की कोई परवाह ही नहीं। अरे ऐसे रंग बनाते हैं जो आसानी से निकल जाए, अरे ऐसे रंग बनाने चाहिए ना एकदम पक्के, जो कभी निकले ना पाए। वैसे तो मुझे अब सुबह का इंतजार है, क्योंकि लाइफ में टर्न टेबल लगे है। पहले तो मुझे ये बता कि तू और टॉमी कौन से रस्ते से आ रहे हैं? Look at him, so dirty, और ऊपर से बदबू भी आ रही है, yuck। वैसे मैं क्या सोची थी, क्यों ना कॉलेज खत्म होते ही हम अपना डॉग पार्लर खोल लेते, ब्रिलियंट आइडिया ना, stupid। क्या ऐसे क्या देख रही है? मैं भूल गई, अरे तू तो विकी से मिलने गई थी ना, क्या हुआ बताना बताना। चला अभी ना भाव मत कर, बताना। अरे ये टॉम के चक्कर में मैं तो भूल ही गई, तू बता क्या हुआ, उसने तुझे कॉम्प्लीमेंट दिया ना? अरे मुझे पता ही था, अब चलो ड्रेस की पहन।